गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को झटका देते हुए सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा को कोर्ट ने बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी। गुजरात में राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के खिलाफ कांग्रेस ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया और याचिका के खारिज होने को लोकतंत्र पर एक दबाव बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलवान सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं ने इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के जम्मू कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बलवान सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जिसके लिए उन्हें 2 साल की सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी डरकर इस तरह के गैर लोकतांत्रिक फैसले ले रहे हैं। कोई क्राइम नहीं किया जिससे 2 साल की सजा दी जाए। उस टाइम भी लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं लोअर जुडिशरी पे प्रेशर है। अब उसके बाद आप जब हाई कोर्ट में गए हैं तो हाई कोर्ट भी कोई ऐसा आम आदमी महसूस कर रहा है, आम आदमी बातें कर रहा है कि राहुल गांधी का कोई ऐसा क्राइम नहीं। इस तरह की बातें स्टेज पे छोटी मोटी नुक्ताचीनी एक दूसरे की होती है और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा करती है। और जो करेक्टर असैसिनेशन जो कभी सोनिया गांधी के खिलाफ, कभी राहुल गांधी के खिलाफ, कभी तीसरे के खिलाफ, ये हमेशा सबसे ज़्यादा जो करेक्टर असैसिनेशन है सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी करती है। आज जो उसको उसकी बेल रिजेक्ट की और उसकी सजा को बहाल रखा, ये हमें पहले ही पता था इसी तरह से होने वाला, क्योंकि अभी मैं महसूस करता हूं कि जुडिशरी का भी पॉलिटिकल यूज हो रहा है। हम कह रहे हैं स्टेट का दर्जा, हम ये जम्मू कश्मीर क्राउन था हिंदुस्तान का दर्जा, उसका वापस तो लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी, लोगों की जान माल की हिफाजत, लोगों की प्रॉपर्टी की हिफाजत करने की बात कर रहे हैं। इन मसलों को लेके हम लोगों को के बीच में निकलेंगे और जो 2024 के आप कह रहे हो ये कर रहे हैं, 2024 में जनता भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। और जो जन विरोधी पॉलिसीज हैं, मणिपुर जल रहा है, नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, और इनको एक बार भी एक स्टेटमेंट इनकी नहीं आई और खाना जंगी इन्होंने करवा दी, वही जम्मू कश्मीर में करवाने जा रहे हैं।